नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट। बिग डिबेट में आज का विषय ट्राइबल पर सियासत। मध्य प्रदेश में सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए बीजेपी क्या नहीं कर रही है, उसी का नतीजा है कि शाह और मोदी आदिवासियों को साधने का भरसक प्रयास भी कर रहे हैं। भले ही शाह का दौरा निरस्त हो गया हो, लेकिन मोदी के दौरे के सहारे बीजेपी चुनावी वैतरणी पार करने का प्रयास करेगी। क्या है आदिवासियों को लेकर बीजेपी का फोकस, देखिए इस रिपोर्ट में, फिर करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश में सियासी बिसात बिछना शुरू हो गई है। सियासत का केंद्र इन दिनों आदिवासी है। आदिवासियों के सहारे ही सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर कोई भी राजनीतिक दल पीछे नजर नहीं आ रहा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को भोपाल और शहडोल के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी के शीर्ष नेता आदिवासियों की सभा को संबोधित करेंगे और ये दौरे कई मायनों में अहम है। मध्य प्रदेश की 1.75 करोड़ आबादी के साथ विंध्य महाकौशल की 68 सीटों पर फोकस करने का मेगा प्लान तैयार किया गया है। प्रदेश का आदिवासी वर्ग बीजेपी की पकड़ से बाहर होता जा रहा है। आदिवासियों के बीच अपने सबसे लोकप्रिय दोनों नेताओं को चेहरा बनाकर इस बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि रानी दुर्गावती गौरव यात्रा का समापन 27 जून को शहडोल में होगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। सिकल सेल अनीमिया बीमारी से मुक्ति का कार्यक्रम भी लॉन्च होगा। 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड का प्रतीकात्मक रूप से वितरण भी करेंगे। लालपुर में सभा करने के बाद प्रधानमंत्री 6 किलोमीटर दूर पकरिया गांव पहुंचेंगे। वहां एक जनजाति परिवार के घर पर रुककर समुदाय के लोगों से संवाद करेंगे। वहीं पारंपरिक भोजन भी ग्रहण करेंगे। पीएम लगभग 1 घंटे का समय जनजाति समुदाय के बीच बिताएंगे। पीएम भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित बीजेपी के 10 लाख बूथों पर डिजिटल रैली को संबोधित करेंगे। बहरहाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार ऐसी ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी बीजेपी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह का फीडबैक सत्ता और संगठन के अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मिल रहा है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर इस वर्ग के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन इसका असर फिलहाल दिख नहीं रहा। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में बीजेपी की क्या रणनीति होगी। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। ट्राइबल पर सियासत। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में बड़ा वोट बैंक आदिवासी वर्ग है। आदिवासियों को साधने के लिए तमाम पार्टियां पुरजोर कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तैयारी यहां पर बीजेपी की दिखाई दे रही है। इस पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सांसद बीजेपी से जीएस डामोर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस विधायक पांजीलाल मेड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सोलेरे जी और आप प्रवक्ता रमाकांत पटेल जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आप प्रवक्ता रमाकांत पटेल जी से। पटेल साहब, तमाम पार्टियां लोगों तक लुभाने की, अपने वादे प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी की बात कर लूं, बीजेपी की बात कर लूं, आम आदमी पार्टी की बात कर लूं, लेकिन बीजेपी का जो फोकस है इन दिनों आदिवासियों पर ज्यादा है। क्या लगता है आपको कि 2018 में जो हुआ उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए पुरजोर कोशिश बीजेपी कर रही है? क्योंकि बीजेपी से जब भी ये सवाल पूछा जाता है तो उनका कहना यह है कि लोगों से मुलाकात करने के लिए राजनीतिक नेता मंत्री तो पहुंचते ही रहते हैं, लेकिन यह सिर्फ मुलाकात नहीं है, यह हो सकता है आदिवासी वोट बैंक साधने का एक तरीका भी है। बिल्कुल ऋषभ जी, आप सही कह रहे हैं, आदिवासी वोट बैंक साधने का ही तरीका भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी करती तो जरा सा है या कुछ भी नहीं करती, लेकिन अपने गाल जो है जरूर बजाती रहती है। वो बताती है कि हमने ये किया, हमने वो किया। अगर इन्होंने वास्तव में कुछ किया होता
तो आज आदिवासी भाइयों की स्थिति ये नहीं होती कि वो अशिक्षित होते, उनकी शिक्षा के लिए कोई काम नहीं किया गया है, उनके बीमार होने पे उनके इलाज के लिए कोई काम नहीं किया गया है। यहां तक कि आप ताज्जुब करेंगे, आज भी आदिवासी अंचल में 2-2 किलोमीटर दूर से गर्मियों में पीने के पानी के लिए उनको जद्दोजहद करनी पड़ती है। ये किया है बीजेपी ने। आप बतलाइए कि आज आदिवासी वर्ग के लिए एसटी रिजर्व जो सीटें हैं, मैं यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूं, तमाम विभागों में बात कर रहा हूं, वो तमाम पद खाली हैं। आरक्षण तो आपने दे दिया लेकिन भर्ती एक की भी नहीं की। तो बीजेपी ने अपने गाल बजाने के अलावा और कोई काम नहीं किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर हम बात करें तो आजादी के बाद से देश के अंदर कांग्रेस की सरकार रही लंबे समय तक, फिर बीजेपी की आई। कांग्रेस ने अगर कुछ किया होता तो आज आदिवासियों को नंगे पैर नहीं रहना पड़ता, बिना कपड़ों के नहीं रहना पड़ता, अपनी रोजी रोटी के लिए यहां से वहां अपना गांव, अपना शहर, अपना जिला छोड़ करके दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता। कई जगह के मजदूर कहीं और जाते हैं, पलायन करते हैं बड़ी मात्रा में। आप देखेंगे आदिवासी वर्ग के लोगों को अधिकतर आपको मिल जाएंगे, कहीं मकान बन रहा है वहां पर गैती फावड़ा चलाते हुए, तगाड़ी उठाते हुए। तो अगर इनका कुछ अच्छा किया होता, जैसे आज माननीय मुख्यमंत्री जी मोर पंख लगा करके और नृत्य करने का, आदिवासी वेशभूषा में होने का दावा करते हैं, दिखावा करते हैं, दरअसल अगर इन्हें जरा सा भी आदिवासियों के दुख दर्द और उनकी पीड़ा, उनके संघर्ष का एहसास होता तो जाकर के ये एक महीने के लिए समय गुजार लें आदिवासी के किसी घर में, उनके जैसा रहें, वहीं उनके जैसा कमा करके दिखाएं, उनके जैसा खाना खा करके दिखाएं, तो पता चलेगा उनका जीवन कितना कठिन है और उनके इस कठिन जीवन के लिए ये दोनों सरकारें लगातार जिम्मेदार रही। तो आपके कहने का मतलब ये पटेल साहब, ये समझा जाए कि प्रधानमंत्री अगर किसी आदिवासी के यहाँ रुकते हैं, एक दिन खाना खाते हैं, इतना काफी नहीं है, एक दिन खाना खा लेने से कुछ नहीं होता। अच्छा, एक बात मैं आपसे और समझना चाहूंगा, जैसा कि आपने बताया लेकिन आदिवासी वर्ग का अधिकार होता है रोटी कपड़ा मकान, सड़क उनका अधिकार है, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना उनका अधिकार है, अच्छी नौकरी पाना भी आदिवासी वर्ग का अधिकार है, ये अधिकार कौन याद दिलाएगा उन्हें? आम आदमी पार्टी आदिवासियों के बीच में जाकर कब उनको इन अधिकारियों का एहसास दिलाएगी जैसा बीजेपी कर रही है? देखिए, केवल याद दिलाने वाली बात नहीं है, एक होता है समता, एक होता है समानता। किसी नौकरी के लिए यदि कोई आवेदन देता है तो या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक 100 मीटर की रेस है, एक तरफ एक लंगड़े व्यक्ति को उस रेस में शुरू करने के लिए किया जाता है, दूसरी तरफ हष्टपुष्ट व्यक्ति को, तो ये बराबरी की रेस तो नहीं होगी ना। उनके अधिकारों के लिए उनको उस प्रकार से पहले तैयार तो करना चाहिए, उनको प्रारंभिक शिक्षा ही नहीं मिली है, उनकी नींव ही कमजोर है, तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे बतलाइए आप। तो बीजेपी ने तो अभी तक यही नहीं किया कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा, उनकी प्रारंभिक नींव, उनका बेस मजबूत करें, या कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, इसलिए आज भी वो संघर्ष कर रहे हैं, आज भी वो 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं। कहीं धान में रोपा लगाने की बात आती है तो आदिवासी वर्ग के लोग अपने जिले से और दूसरे जिले जाते हैं, धान काटने की बात आती है, गेहूं काटने की बात आती है, तमाम ठीक है पटेल साहब, जितने भी आदिवासी सम्मेलन कर लिए जाएं, जितने भी दावे और वादे कर लिए जाएं, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि आदिवासी आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहा है। बीजेपी से हमारे साथ जीएस डामोर जी जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करता हूं मैं। डामोर साहब, पूरी बात आपने आप प्रवक्ता की सुनी, रमाकांत पटेल जी कह रहे थे आदिवासियों के लिए तमाम सम्मेलन आप कर लें, आदिवासियों के लिए तमाम नेता जमीनी स्तर पर जाकर उनसे मुलाकात कर लें, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के लिए आदिवासी तो आज भी परेशान हो रहा है। मध्य प्रदेश में 18 साल से बीजेपी की सरकार है लेकिन आदिवासी सम्मेलन करने की जरूरत पड़ रही है, केंद्र के नेताओं को आकर आदिवासियों के घर पर रुक कर खाना खाने की जरूरत पड़ रही है, उन्हें मूलभूत सुविधाएं कब मिलेंगी साहब? देखिए, आजादी के बाद पहली बार केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब जनजाति समाज के इतिहास को और गौरव को लौटाने का काम अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमारे कई फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, परंतु ये कुछ ऐसे इतिहासकार रहे हैं जिन्होंने उन तमाम प्रयासों को दफना दिया, कहीं
इतिहास में जनजाति नायकों को जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो गौरव मिलना चाहिए था, वो गौरव अभी तक नहीं मिला। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश में जितने जनजाति नायक हुए हैं उनका इतिहास खोजा है, उनको मान सम्मान देने की बात की है। अगर आपको याद होगा कि 15 नवंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी भोपाल आए और भोपाल में आकर के 15 नवंबर जो कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, उस जन्मदिन को जनजाति दिवस के रूप में घोषित किया और यह भी कहा कि जिस प्रकार से महात्मा गांधी की जयंती मनाई जा रही है पूरे देश में, उसी प्रकार भगवान बिरसा मुंडा की भी जयंती मनाई जाएगी। और भोपाल में ही रानी कमलापति के नाम से रेलवे स्टेशन किया। ऐसे मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जी ने और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने तमाम जनजाति गौरव, जितने भी हमारे जनजाति के गौरव रहे हैं, नायक रहे हैं, उनकी जन्मस्थली, उनकी कर्मस्थली को विकसित किया। ये तो हमारे इतिहास की बात हुई, जनजाति गौरव की बात हुई। अब दूसरा मैं आपको आता हूं कि जैसे हमारे प्रवक्ता ने बताया शिक्षा का, तो इस देश में शिक्षा के लिए जितना अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है उतना किसी भी सरकार ने नहीं किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहली बार एकलव्य आवासीय विद्यालय प्रत्येक विकास जनजाति विकास खंड में खोले गए, जिसमें 490 बेटे और 490 बेटियों को अलग अलग रहने की और पढ़ने की सुविधा दी गई। आवासीय विद्यालय है ये। जैसे मैं झाबुआ से हूँ तो झाबुआ में ऐसे 6 विद्यालय हैं और ये सब CBSE कोर्स के हैं। और बेसिक जो मूलभूत सुविधाएं होती है उसको अगर जुटाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जैसा भी आपने बताया कि प्रदेश में 18 साल से भारतीय जनता पार्टी है, तो एक एक आदिवासी गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का काम किया है तो शिवराज सिंह जी ने किया है। एक एक गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया है तो शिवराज सिंह जी ने किया है। बड़े निवेदन और के साथ मैं आपको सिंचाई की सुविधाएं, एक मिनट सिंचाई की सुविधाएं अगर उपलब्ध करवाने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नर्मदा से जो जनजाति बाहुल्य जिले हैं, अलीराजपुर, धार, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, यहाँ पर नर्मदा का पानी के लिए हमारी योजनाओं के काम चल रहे हैं और अलीराजपुर में काम पूरा हो चुका है। हम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं और हर प्रकार से प्रयास कर रहे हैं कि जनजाति समाज के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे, उनकी आर्थिक स्थिति से वो मजबूत हो। और इस प्रकार से आजादी के बाद पहली बार अगर किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार ने तो सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को वोट बैंक समझ रखा था और साल में एक बार उनके साथ फोटो खींचवाते थे, उनको एक झूठा आश्वासन देते थे कि हम तुम्हारी। सांसद साहब, अगर आपकी बात मान भी लिया जाए, कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक किया था, बीजेपी पार्टी ने हमेशा से आदिवासियों के उत्थान के लिए तमाम सारे काम किए। आदिवासी सम्मेलन की अगर मैं बात कर लूं, टंटिया मामा की अगर मैं बात कर लूं, तमाम चीजों की भी अगर मैं बात कर लूं, तो 2018 में क्या हो गया था? क्या ऐसी वजह थी आदिवासियों ने दरकिनार कर दिया था बीजेपी पार्टी को और अपना बहुमत कांग्रेस पार्टी को दे दिया? मैं आपको बताता हूं, उसका एक मुख्य कारण मैं बताता हूं कि जैसा आप जानते हैं कि हमारा आदिवासी समाज भला भला समाज है और वो बहकावे में और छल कपट के में जल्दी आ जाता है। तो यही स्थिति 2018 में घटित हुई जब कांग्रेस ने बोला कि हम आपके कर्जे माफ कर देंगे, हम आपको आपके बच्चों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, आदिवासी क्षेत्रों में जितनी हमारी महिला समूह थी उनसे बोले कि कर्जे माफ कर देंगे, ऐसे तमाम झूठे आश्वासन दिए तो हमारा आदिवासी समाज धोखे में आ गया और धोखे में आकर के कांग्रेस को वोट दे दिया। परंतु पूरी बात आपने सांसद जी की सुनी, उनका कहना है कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को वोट बैंक समझा, लेकिन अगर उनका उत्थान किसी ने किया तो बीजेपी पार्टी ने। मैडम साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मैडम साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मैं आपकी भी आवाज सुन रहा हूँ, हमारे पूर्व वक्ता आदरणीय रमाकांत पटेल जी की आवाज भी सुनी है जी। और हमारे आप सुन पाए सर?
आदरणीय दामोदर साहब की भी बात सुनिए और आज आप जो भी सवाल करेंगे मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। बेड़ा साहब मेरे सवाल आपने सुना? बिल्कुल। मैं एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा देता हूं विधायक साहब। डामोर जी का कहना है कि आदिवासियों के लिए जितना कुछ उत्थान का काम किया सिर्फ बीजेपी पार्टी ने किया, कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को वोट बैंक समझा हमेशा से। मैं ये बताना चाहूंगा आदरणीय डामोर साहब को और आदरणीय आपके माध्यम से कि जैसे ही जब जब कांग्रेस की सत्ता रही है तब आदिवासी हॉस्टलों में पूर्ण सुविधा मिलती थी और आज हमारे जब 18 साल से बीजेपी की सरकार प्रदेश में है और कम से कम 8 साल से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री है, पर आज जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने उस समय से जो हमको आदिवासी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए केंद्र सरकार से, चाहे वो किसान के लिए हो, गरीबों के लिए हो और जो भी आवश्यकताओं के लिए जो आदिवासी हितग्राही उन्नत योजना थी वो इन्होंने सबसे पहले वोट करी। उसके बाद में जो आज तक प्रदेश में जो हॉस्टल है उनमें 50 सीटर अभी तक वृद्धि होना था पर 18 साल में अभी तक एक भी हॉस्टल में इन्होंने मेड़ा साहब माफ कीजिएगा, मैं निवेदन के साथ आपको रोक रहा हूँ। अगर बैक में आपके कोई टीवी चल रही है, कुछ साउंड चल रहा है तो कृपया उसे स्लो कर लें, प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है। वापस से आपके पास आऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए। भूपेंद्र साहब, तमाम मेहमानों को आपने सुना, क्या लगता है आदिवासी आज के वक्त में मध्य प्रदेश में सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गया है? क्योंकि आदिवासियों की याद तभी नेताओं मंत्रियों को आती है जब कोई चुनाव हो रहे होते हैं। देखिए, जो जनजातीय वर्ग है, आदिवासी जो वोटर है, मध्य प्रदेश में बहुघात है और लगभग 2.25 करोड़ वोटर है और लगभग आबादी 2,60,000-60,00,000 के लगभग है। 68 सीटें हैं, 21 सीटें आई थी उनके पास, अब उनकी जो 48 सीटें हैं वो 47 सीटें हैं वो उनको गेन करना चाहते हैं। आदिवासी का मूलतः वोट कांग्रेस का वोट रहा था, लेकिन पिछले चुनाव में 2018 में वो शिफ्ट हो गया कांग्रेस में फिर से, जो बीजेपी में चला गया था। अब जो स्थितियां बन रही हैं तो उसके चुनाव में देखते हुए बीजेपी ने पहले से ही स्ट्रेटेजी बना ली थी। अभी जैसे डामोर जी ने बोला कि 75वें वर्ष में उन्होंने पूरे भारत के जितने भी इंस्टीट्यूट थे, यूनिवर्सिटियां थीं, उन्होंने जनजातीय योद्धाओं के बारे में कार्यक्रम किए, सेमिनार किए, लोगों को जागृत किया। साथ में राजनीतिक रूप से भी उन्होंने काम किया, देश का राष्ट्रपति उन्होंने जनजाति समुदाय से बनाया, मध्य प्रदेश में राज्यपाल जनजाति समुदाय से बनाया और उनके प्रवास लगातार किए गए। साथ में उनकी जो उनकी विचारधारा की जो संगठन है बनवासी कल्याण आश्रम, वो भी काम कर रही है और वो उस स्तर पे काम कर रही है, ग्रास रूट पे बेस पे काम कर रही है। लेकिन साथ में जो कांग्रेस की समर्थन वाली जो मिशनरी सोसाइटियां हैं जो काम कर रही हैं आदिवासी वाले क्षेत्रों में, वो कांग्रेस के लिए ही भी काम कर रही हैं। तो अब ये स्थिति है कि क्या ये जो 18 में जो वोट शिफ्ट हो गया था कांग्रेस में, क्या पुनः शिफ्ट हो पाएगा बीजेपी में? और बीजेपी उसके लिए प्रयास कर रही है, लेकिन साथ में जो चेहरा यहाँ जो सीएम शिवराज जी का है, सीएम 18 साल से इनकी सरकार है और 16 साल से लगभग उनका कार्यकाल है और उस चेहरे से संगठन, उनके संगठन के लोग, बीजेपी के लोग और जनता पसंद नहीं कर रही है, इसलिए इस फेस को लाने के लिए वो मोदी का चेहरा यहाँ पे ला रहे हैं। अब उसमें सफलता असफलता का कैलकुलेशन तो बाद में लगाएगा। अब जो पार्टी जो निश्चित रूप से जो विपक्ष में है अभी कांग्रेस उसको कैसे फेस कर पाती है? अभी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा उसी बेल्ट से निकाली थी, इंदौर, खरगोन, जो अलीराजपुर, ये जो बेल्ट थी मालवा का, जो वनवासी क्षेत्र जहाँ कांग्रेस अच्छी स्थिति में आई थी अभी जीत के, तो अब उस चीज को कैसे जीवित रखती है ये उनके सामने भी चैलेंज है। और साथ में उनको जो 15 महीने की जो सरकार का जो वैक्यूम उनका जो क्लियर वो खाली हुआ था वो जो भरा है, तो वो उसमें कार्यकर्ताओं में एनर्जी है,
निश्चित रूप से कांग्रेस में भी। तो अब बीजेपी के लिए जो शिवराज जी का चेहरा है, उनके जो संगठन के जो बीडी शर्मा जी हैं, अब वो उस लेवल पे उनके जो सर्वे आ रहे हैं वो इस लेवल पे आ रहे हैं कि पसंद नहीं किया जा रहा है, तो इसलिए ये लॉन्च कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, नड्डा जी को और साथ में अमित शाह जी को, आगे जाके और भी स्ट्रेटेजी बनाएंगे ये। अब ये समझ में इनको समझना चाहिए कि राजनीति सत्ता के लिए की जाती है और अपने विचारधाराओं को फैलाने के लिए की जाती है, तो इसलिए अब ये लोग इसको कैसे फाइट करते हैं, क्योंकि जो बीजेपी का संगठनात्मक है वो वनवासी कल्याण संघ वगैरह काम कर रहे हैं, वो भी उनको फीडबैक दे रहे हैं और उस तरह से उनका काम होता है। अब ये किस मिशनरी से किस तरह से यूज करते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या वो फिर से योजनाओं का प्रलोभन देना जो ठीक है, लेकिन भूपेन साहब आपसे एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते ये बात भी मैं समझना चाहूंगा, आदिवासी वर्ग में इस बार कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है, कश्मकश की स्थिति हो सकती है, 2018 के बाद जब निर्णय आदिवासी वर्ग ने बदला, क्या वही स्थिति दोबारा से हो सकती है? देखिए जो वोट होता है ना, इन लोगों का गांव लेवल पे अच्छा काम है दोनों पार्टियों का, और यहाँ पे टू पोल इलेक्शन ही होगा, पार्टी आम पार्टी जो भी है वो हिंदी बेल्ट में प्रभावित ज़्यादा नहीं करेगी, लेकिन अपना खाता खोल सकती है, लेकिन वर्सेस चुनाव कांग्रेस और बीजेपी में ही होगा। अब जो प्रयास है इनके नीचे लेवल पे, क्या होता है कि जो 5% जो पोलराइज होता है जो इलेक्शन के टाइम पे जो स्टेटमेंट बोले जाते हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो वोट अब आप मान लीजिए कि लगभग 80 सीटें जो 5000 से 200 से 5000 के बीच में क्लियर होती हैं, वो लाखों तक पहुंच ही नहीं पाती। ठीक है भूपेन जी, समय की बात देता है आपके पास वापस से आऊंगा। मेड़ा साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? पांजीलाल मेड़ा जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूं। ठीक है मेड़ा साहब, आपसे ये समझना चाहेंगे, बीजेपी के शासनकाल में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनती है, राज्यपाल आदिवासी से, आदिवासियों के लिए तमाम सारे काम किए जाते हैं, हबीबगंज रेलवे स्टेशन को बदलकर रानी कमलापति कर दिया जाता है, आदिवासी सम्मेलन किया जाता है, इससे पहले बहुत लंबा वक्त कांग्रेस ने शासन किया, और आने वाले वक्त में कांग्रेस ऐसा क्या करेगी आदिवासियों के लिए कि इस बार वोट चेंज हो, क्योंकि अब तो आम आदमी पार्टी भी है जमीनी स्तर पर, तो कंपटीशन तो कांग्रेस के लिए और तगड़ा है। सर, पूरे प्रदेश के आदिवासी भाई समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कितना उनका क्या नुकसान और क्या फायदा हुआ है। आज बेरोजगार लोग समझ चुके हैं, बेरोजगार इतनी बढ़ गई है सर कि इन्होंने बेकार पदों की भर्ती 18 साल से नहीं करी, आज पदोन्नतियां नहीं करी, आज मास्टर टीचरों ने आज उनकी पेंशन, जब कांग्रेस की सरकार थी तब तक पेंशन चालू थी, पर इन्होंने जैसे ही 2004 के बाद में इनकी सरकार आई तब से सबसे पहले इन्होंने पेंशन बंद करी, जो कर्मचारियों का बुढ़ापे का सहारा होता है, और इस प्रकार से इन्होंने कई ऐसी योजनाएं बंद कर दी जो आदिवासी एवं अन्य समाज के चलिए ठीक है मेड़ा साहब, समय की बाध्यता है, समय की बाध्यता है, चर्चा अपने अंतिम दौर में है। डामोर साहब, आदिवासियों के लिए इस बार बीजेपी और क्या कुछ पिटारा खोलने वाली है, क्योंकि कंपटीशन तो इस बार तगड़ा है, आम आदमी पार्टी भी जमीन पर है, जल्दी से अपनी बात रखिएगा, समय की बात। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के 80 करोड़ गरीब लोग, जिसमें से अधिकांश हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं, निःशुल्क राशन दिया जा रहा है, प्रत्येक गरीब आदिवासी को प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा है, और हमारे माननीय विधायक जी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि हमारा आदिवासी समझ चुका है अब कि उनके लिए कौन सी पार्टी अच्छी है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के 60 साल का शासन देखा और भारतीय जनता पार्टी का भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का 9 साल का, और शिवराज सिंह जी और हमारी भाजपा के प्रदेश में 18 साल कायम हुए हैं। समय की बाध्यता है, वापस से आपके पास नहीं आ पाऊंगा, चर्चा अपने अंतिम दौर में है। रमाकांत जी, 20 सेकंड का समय है, आम आदमी पार्टी को आदिवासी वोट क्यों देगा, क्योंकि इस बार तो कंपटीशन आपके लिए आसान बिल्कुल भी नहीं, 18 साल बीजेपी का शासनकाल, उससे पहले कांग्रेस का शासनकाल। देखिए ऋषभ जी, आम आदमी पार्टी ने जो काम करके दिखाया है, दिल्ली में हो या पंजाब में हो, लोगों को निःशुल्क बिजली, निःशुल्क पानी, आवागमन की निःशुल्क व्यवस्था, किसानों को फसल खराब होने पे 15,000 रुपए एकड़ का मुआवजा, किसानों को फसलों का दाम, रोजगार की व्यवस्था, अच्छी शिक्षा जो सबसे जरूरी है, अच्छे इलाज की व्यवस्था
जो आज तक आदिवासी समाज को मिल नहीं पाई, न शिक्षा न स्वास्थ्य। तो आम आदमी पार्टी के यहाँ पर आने से, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से सबसे ज्यादा अगर फायदा होगा तो आदिवासी वर्ग को होगा, जिनके बच्चे पढ़ नहीं पाते, जिसका मतलब इलाज नहीं हो पाता। पटेल साहब की आदिवासी वर्ग के पास अब बीजेपी और कांग्रेस के अलावा एक विकल्प और है वोट देने का। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी सांसद जीएस डामोर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस विधायक हमारे साथ पांजीलाल मीणा जी, वरिष्ठ पत्रकार भूपेन जी और आम आदमी पार्टी से रमाकांत पटेल साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। चारों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम बात कर रहे थे ट्राइबल पर सियासत की, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव और चुनाव से पहले आदिवासी वर्ग को साधने के लिए बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी के साथ साथ तमाम पार्टियां भी पूरी कवायद में लगी हुई हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले वक्त में आदिवासियों का वोट किस पार्टी को जाता है। एक नए विषय के साथ, एक नई चर्चा के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।